हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर। इन क्वेश्चन नंबर 8, ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई। ए पार्ट में कहता है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई remain connected and B part is after the supply was disconnected. Here students, given question number 8 के अंदर एक capacitor given था हमें and the separation between the plates 3 millimeter means 3 into 10 to the power minus 3 meter question number 8 में given था ये हमें। question number 9 में कहते हैं इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस इज गिवन। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस हमारी दिस टी स्मॉल टी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर गिवन है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज गिवन दिस इज 6। देन फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, तो ये डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद क्या चेंज होता है ये आपको बताना है। व्हाट वुड हैपन इफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 3 मिलीमीटर इज प्लेस। नाउ ए पार्ट में कहता है दिस डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स remain same। फर्स्ट पार्ट में कहता है दिस वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा ये वोल्टेज सप्लाई ज्वाइन किया था हमने, तो यहां पर इस पार्ट में ये वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है। दिस V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द प्लेट्स कितना होगा, जितना दिस वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 वोल्ट बट द कैपेसिटेंस एंड चार्ज इंक्रीजेस के टाइम्स। डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम रहता है बट कैपेसिटेंस और चार्ज की वैल्यू हमारी के टाइम्स इंक्रीज होती है। देयरफॉर न्यू कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट। के इज गिवन 6 एंड सी नॉट इज 1.77 इंटू 10 पावर माइनस 11। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सॉल्व कैपेसिटेंस सी नॉट की वैल्यू, तो यहां पर ये हमें सेम यूज करना है। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस सी डैश इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 पावर माइनस 10 फेरड। तो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। पहले प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस सी डैश। नाउ चार्ज कैलकुलेट करना हमें, चार्ज क्यू डैश इज इक्वल टू दिस सी डैश इंटू वी। आप जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो दिस कैपेसिटेंस एंड दिस वोल्टेज वी इज इक्वल टू 100 वोल्ट। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज रखते हैं यहां पर, तो दिस सी डैश इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू वी। वी इज इक्वल टू हमारा 100 वोल्ट। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू क्यू डैश इज इक्वल टू दिस 1.06 इंटू 10 पावर माइनस 8
कूलम। तो ये हमारा आंसर इस पार्ट के लिए। चार्ज और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो दिस कैपेसिटेंस इज सो मच एंड द चार्ज इज दिस। नाउ बी पार्ट में कहते हैं आफ्टर द सप्लाई डिस्कनेक्टेड, यदि इस सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट करें, बी पार्ट के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये जो बैटरी हमारी सप्लाई जॉइंट थी इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, देन आफ्टर द सप्लाई डिस्कनेक्टेड नाउ द कैपेसिटेंस इसका सी डैस जो हमारी फर्स्ट पार्ट में था कैपेसिटेंस सेम रहता है दिस के इंटू सी नॉट, तो दिस इज इक्वल टू 1.06 इंटू 10^-10 farad। कैपेसिटेंस सेम रहता है जितना हमारा फर्स्ट पार्ट में था क्योंकि दिस डायलैक्ट्रिक स्लैब और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इंटू सी नॉट, राइट। नाउ चार्ज आल्सो रिमेन सेम देयरफॉर टोटल चार्ज बिफोर प्लेसिंग द डायलैक्ट्रिक स्लैब दैट इज सी नॉट वी नॉट एंड द टोटल चार्ज आफ्टर प्लेसिंग दिस डायलैक्ट्रिक स्लैब सी डैश वी डैश राइट। वी डैश हमें कैलकुलेट करना है तो दिस इज दिस सी नॉट हेयर दिस वी नॉट एंड सी डैश की वैल्यू हमारी दिस इज के इंटू सी नॉट इंटू दिस वी डैश सी नॉट से दिस सी नॉट कैंसिल देयरफॉर दिस वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के एंड वी नॉट इज हाउ मच 100 इनिशियली कितना था दिस 100 वोल्ट अपॉन के एंड के इज इक्वल टू 6 देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 16.6 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जब हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया और डायलैक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर बिटवीन द प्लेट्स हम इंसर्ट करते हैं तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 16.6 वोल्ट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए। थैंक यू।